गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में, और आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ, हैप्पी धनतेरस। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6, दोनों बच्चे मेरे सो रहे हैं और मैं बालकनी में आई हूँ ना, तो सामने मुझे वो देखी, तो ये दोनों बच्चे मेरे सो रहे हैं। रूडी को मैंने उठा दिया क्योंकि टीवी खोल दिया, इनको भी साथ में लेके जाऊंगी। और आज वो होता है ना कि कुछ स्टील का हमें बर्तन खरीदना होता है, वो मुझे खरीदना है, और खील बताशे जो पूजा के लिए रखे जाएंगे हमारी बड़ी दिवाली के दिन जिस दिन पूजा होती है, तो वो लेके आना है। और कल हमने लक्ष्मी के पांव और शुभ लाभ और जो स्वास्तिक बना होता है वो भी मैंने लिया। तो जब ना मैं, वही होता है ना कि कई चीज़ें नहीं कर पाते आप, तो जैसे ही हम जो जहाँ पे मैंने लिया ना खोखनो चीज़ें देखी, तो दोनों हाथ जोड़ के बोलती है जय माता दी, जय माता दी। तो उसको मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब आसपास के भी लोग बोलते हैं कि वाह कितना अच्छा बच्चा है, कि मतलब भगवान की चीज़ों को देख के जय माता दी बोल रहा है। तो एनीवेज मैंने वहाँ से वो सामान लिया, तो अब भी क्या करना है, बस मुझे चेंज करना है। रेडी में हो गई, रेडी में इसलिए पहले हो गई ताकि ना रूडी सो रहा है तो होने दे। अभी क्या करना है, उठ जाएंगे, खोखो को थोड़ा सा कुछ खिलाऊंगी क्योंकि उसने मुझे डिमांड की थी उसको जूस पीना है, उसके लिए जूस बनाऊंगी। देन रूडी को थोड़ा दलिया खिला के फिर हम निकल पड़ेंगे अपनी शॉपिंग के लिए धनतेरस की। खोखो कम यार, डोंट गो एनीवेयर। ये कितने का है और कितना किलो है? इससे थोड़ा भारी भी है मतलब भैया? हाँ मतलब जो अच्छा जैसे चले चाय बनाने वाला। तो मार्केट में बहुत सारे खोखो खोखो कम कम बट वी डोंट हैव टू बाय इट बेटा, चल सी वी नॉट गोना यूज इट, कम आई विल बाय अ रियल फ्लावर, कम आ जाओ आ जाओ। तो मैंने ना एक पतीला लिया है चाय के लिए, और काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भीड़ है, आवाज़ आ रही होगी। और साथ ही मैंने यहाँ पे माला दी थी बनवाने के लिए लक्ष्मी की और गणेश जी की, बाकी जो उसके पे, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ अभी। तो वैसी वाली कितनी बड़ी बनाई है दिखा दोगे एक बार? तो यहाँ पे मेरी ना माला बन गई है, ये जो लक्ष्मी और गणेश जी की, और जो मेन डोर के लिए मैंने लिया है वो। हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू। और इसमें दो वो रखा है अगर मैं तेरी वॉइस निकाल के ना एक पिच शिफ्टर पे चलाऊं तो बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं हो रही होगी। तो हम लोग आ गए हैं घर से शॉपिंग करके, लाइक मैंने एक चाय का पतीला लिया है और खील बताशे और खिलौना लिया है जो कि मेन होता है लक्ष्मी माता की पूजा के लिए, ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। और चाय का बर्तन ही मैंने इस बार सोचा था क्योंकि जो मेरा पुराना वाला है ना वो थोड़ा बहुत पुराना है, तो मुझे उसको चेंज करना था। और इस बार मैंने हैंडल ना लेके ना लाइक यू नो एक इसी तरह से लिया है, गोल जैसे पतीला टाइप होता है वही मैंने लिया है। तो अब मैं करती हूँ अपनी धनतेरस की पूजा स्टार्ट। गो इनसाइड बेडरूम, वी विल डू दिस, जय जय माँ पूजा। या गो इनसाइड, गो 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 देयर बेटा, नाम डूइंग दिस जय जय माँ थिंग। ये आज लेके आई है अभी मैं धनतेरस में, ये स्टील का चाय बनाने के लिए मुझे, मैंने ना वो पूछ वाला नहीं लिया, इस तरह से लिया है। ये रहा हमारा प्रसाद जो दिवाली की रात में चढ़ेगा भगवान जी को, माता रानी को। तो गाइस अभी अभी मेरी पूजा हो गई है जय माता रानी, और ये दिए मैंने चला दिए हैं। क्या होता है, आज है धनतेरस, तो धनतेरस के दिन हमें 13 दिए चलाने चाहिए, फिर जो छोटी दिवाली होगी उस दिन को 14, और जिस दिन मेन दिवाली बड़ी दिवाली होगी उसमें आप जितने चाहे दिए जला सकते हैं, क्योंकि उस दिन राम जी अपने घर वापस आए थे 14 साल का वनवास करके, तो इसलिए धनतेरस का मतलब ही ये है। और अभी आजकल मैं वीडियो भी देख रही हूँ ना, तो मैंने देखा इंस्टाग्राम में भी काफ़ी आ रहा है कि धनतेरस के दिन 13,
देन दूसरे दिन 14, क्योंकि 14 वर्ष पूरे होने वाले होते हैं भगवान राम को वनवास किए हुए। और जो दिवाली की रात, जिस दिन बड़ी दिवाली, जिस दिन वो आते हैं, उस दिन आपको मन में जितने दिए आने हैं, जितने पटाखे जलाने हैं, आप वो जला सकते हैं। तो ठीक है, अब मैं इन दियों को रखती हूँ अपने घर में जगह जगह पर, और इस बार मुझे ध्यान देना होगा क्योंकि मेरे घर पर है रूढ़ी। उसका क्या करता है, वो दियों को देख के ना सीधे झपटे रखता है। हमने जला दी है अपने धनतेरस के लिए। आपको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, और माता रानी हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। और इसी के साथ मैं कर देती हूँ आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय।